ये लो फिर हम आ गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं द टेक्निकल सर्च इंजन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे ऑडियो का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कभी भी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा कमी हो जाएगा चलेगा, लेकिन जब भी ऑडियो क्वालिटी अगर खराब होता है तो वहाँ पे आपका व्यूअर्स वीडियो को डिस्कनेक्ट करके चले जाते हैं। तो चलिए आज कौन सा एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं आपको दिखा देते हैं। वो दो एप्लीकेशन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली जाके उसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। मोबाइल से ही आप प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको HD क्वालिटी का साउंड क्वालिटी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उसी ऑडियो को अगर बैकग्राउंड नॉइज आपका ऑडियो में आता है तो इजीली आप उसको एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन में आपको ले चलता हूं और आपको दिखा देता हूं कौन सा वो दो एप्लीकेशन है। पहला वाला एप्लीकेशन जो है हम रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वाला जो है उसमें हम एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहला नंबर में जो भी है हमारा एप्लीकेशन, उसका नाम है RecForge जो कि वर्सन 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। अगर डाउनलोडिंग खुद करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे सर्च करना है RecForge। जैसे ही आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है एप्लीकेशन आपका सामने। आप देख सकते हैं टॉप में वो रहता है, क्लिक करने से आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन में ऑलरेडी एक मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, फिर भी मैं अभी जो बात कर रहा हूँ उसको रिकॉर्डिंग करके भी आपको इसमें दिखा देंगे। तो आपको जब भी वीडियो आप रिकॉर्डिंग करते हो तो इस तरह का आप डायरेक्ट इसको रिकॉर्डिंग में लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल से इतना अच्छा क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, माइक वगैरह खरीदते हो बोया वगैरह, वो उससे बेहतर साउंड क्वालिटी आपको मोबाइल में मिलेगा, क्योंकि मोबाइल का जो माइक इस्तेमाल होता है बहुत हाई क्वालिटी का इस्तेमाल होता है, जो कि मैं अपना मेरा एक्सपीरियंस से खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पिछले कुछ वीडियो से ऑडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जैसे ही मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग इस्तेमाल किया तो क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है मेरा ऑडियो क्वालिटी में। यहाँ पे हम इसको ऑफ कर देंगे, हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है। अभी सेकेंड एप्लीकेशन में चलेंगे, उसको कैसे इसको एडिटिंग करना है, बैकग्राउंड साउंड वगैरह, और जो हमारा पीच होता है जब भी हम बात करते हैं उसका जो पीच होता है ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि कहीं पे थोड़ा साउंड बढ़ गया है कहीं पे कम हो गया है, लेकिन जब हम वीडियो में इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम कभी बात करते हैं या तो कहीं पे लो साउंड हो जाता है वहां पे सुनने के लिए दिक्कत होता है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है तो वहां पे सुनने में भी हमको दिक्कत होता है। तो वहां पे आप उसको बहुत इजीली एडिटिंग करके नॉर्मलाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको सैंपल एक दिखा देता हूँ। सेकंड वाला एप्लीकेशन के लिए भी आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना है आपको LEXIS। आप देख सकते हैं जैसे ही इतना ही लिखा हमारा टॉप में वो एप्लीकेशन आ गया, और इसको डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। हमारा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, हम आपको एक सैंपल दिखा देंगे। ये आपको लैंडस्केप मोड में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ब्राउज करने के लिए दिया गया है, जैसे ही ओपन में आपको क्लिक करना है और कहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग होता है वहां से डायरेक्ट उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। कोई भी ऑडियो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ओनली आप रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हो, सॉन्ग वगैरह या साउंड कहीं पे भी अगर आप उसको एडजस्ट या एडिटिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कर सकते हो बहुत इजीली। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑडियो ले चुका हूँ और इसी को हम एडिटिंग करेंगे, प्ले करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बहुत HD क्वालिटी का। उसके बाद यहाँ पे आता है एडिटिंग कैसे करना है, बहुत सिंपल इंटरफेस है दोस्तों, इसको डायरेक्ट आप ऐसे क्लिक करिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप ऑडियो प्ले मोड में रखते हो तभी आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे, इसको पहले स्टॉप करना है और यहाँ पे जाके इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में आप जैसे जाओगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वेव दिख रहा है, जो रिकॉर्डिंग का वेव है, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी ज्यादा थोड़ा कम पिच उधर इधर हुआ है, तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब एक बैलेंस में साउंड को रखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करना है नॉर्मलाइज में और ऑटोमेटिक कुछ देर के अंदर इसको एडजस्ट कर लेगा और सिंपल जैसे कि हमारा एक बैलेंस में आपको वो साउंड रिकॉर्डिंग प्रेजेंट करेगा। इसके बाद आप डायरेक्ट इसको सेव करके अपना वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं आपको ये वो भी मालूम होगा,
तो अपना वीडियो में डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज के बाद और क्या आपको मिलता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे देखिए जैसे चेंज पिच, अपना आवाज को पतला या तो भारी बनाने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है। नॉइज रिडक्शन दिया गया है, नॉइज अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड आता है कहीं पे, आप आउटडोर में शूटिंग कर रहे हो या घर के सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे नॉइज है जो कि आपका वीडियो बैकग्राउंड में आ जाता है, तो यहाँ पे आप नॉइज रिडक्शन में जाके डायरेक्ट उसको चेंज कर सकते हो। इक्वालाइजर मिल रहा है, इको मिल रहा है, रेहाब मिल रहा है, वोकोडर मिल रहा है, कंफर्ट स्टेरियो मोनो, मतलब आप अगर हेडसेट के हिसाब से अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो जैसे कि लेफ्ट एंड राइट आपको आता है, और या तो मोनो मतलब एक सिंगल ऑडियो के हिसाब से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारे जो फैसिलिटी है दोस्तों आपको इसी एक एप्लीकेशन के साथ मिल जाता है, जहाँ पे आपको हर एक ऑडियो का आपको जो एडिटिंग का पूरा फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। डेफिनेटली आप एक HD क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसके बाद एडिटिंग कर सकते हो, और उसी सेम ऑडियो को अपना वीडियो में जब भी आप इस्तेमाल करोगे डेफिनेटली जो भी आपका जो व्यूअर्स है वो सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतना HD क्वालिटी ऑडियो आपने कौन सा माइक से रिकॉर्डिंग किया है। तो आज के लिए तो दोस्तों इतना था, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा आगे में इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।